आप सलम की आखिरी वक्त की तकलीफ देखे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, हाय मेरे अब्बा की तकलीफ, हाँ ओ द पेन ऑफ माई फादर। आप सलम ने क्या कहा, ऐ फातिमा आज के बाद से तेरे बाप को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो आप बोले कि इस सफर के अंदर, इस पूरी ट्रैवलिंग के अंदर, डेस्टिनेशन तक पहुंचने के अंदर, मंजिल तक रसाई के अंदर, क्या क्या इंसान ने खोना है और क्या नहीं खोना। अल्लाह ताला कह रहा है तुम कुछ सलामत लेके ना हो, कोई मसले की बात नहीं, तुम्हारा जिस्म सलामत ना हो, जाफर तैयार, दोनों बाजू अल्लाह ताला के रास्ते में खोल दिए। लेकिन अल्लाह ने कहा कामयाब हो जाओगे, हालांकि जिस्म सलामत नहीं है। हो सकता है माल ज्यादा खर्च कर दो, कुछ ना बचे। हो सकता है हराम अपॉर्चुनिटी को जो है कैश ना करो। हो सकता है बड़ी डील मिल रही हो और फाइनेंशियल अपग्रेडेशन की, लेकिन तुमने एक्सेप्ट ना की हो। हो सकता है कॉर्पोरेट्स के अंदर किसी के कंधे पे जो है वो पांव रख के एक जगह मिल रही हो, तुमने कहा नहीं यार ये हराम हो जाएगा। हो सकता है धोखा देकर माल कमा सकते हैं, नहीं कमाया हो। हो सकता है एक बिजनेस डील लॉक कर सकते थे लेकिन वहां पर सूद इन्वॉल्व हो। हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई हराम रिलेशनशिप हासिल करके अपने दिल को सुकून दे सकते हो, लेकिन तुमने सब कुर्बान कर दिया, छोड़ दिया। अल्लाह कह रहा है कोई मसले की बात नहीं है, जो अपने दिल को बचा कर ले आया ना इन सब चीजों के अंदर, जिस्म खो दिया, कारोबार खो दिया, रिश्ते खो दिए, शहर खो दिया, मुल्क खो दिया, इज्जतें खो दी, लेकिन अल्लाह कह रहा है इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम। If you're coming towards a destination, मंजिल तक आने तक अगर दिल बच गया, कामयाब।